नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड नाइन्टीन की इस वक्त देश में क्या स्थिति है हम पहले से भी कह रहे थे कि हमारी स्थिति नाजुक होती जा रही है और हमारा कोई इसमें काबू पाने का कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रहा है अब आंकड़ों से दुनिया भर में ये चीज साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान की हालत बहुत ही खराब है क्यों हम ये कह रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें एक नज़र डालते हैं हम जो हमेशा करते हैं दुनिया के फिगर्स के ऊपर हम देखते हैं वर्ल्डोमीटर जो साइट है वो क्या बताता है वो बता रहा है कि हम 40 लाख क्रॉस कर चुके हैं तो जानते ही हैं पर जो सबसे बड़ी बात जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जिसकी कि हमारी पिछले दिन की पिछले 24 घंटे की जो फिगर्स है ये सबसे दुनिया में सबसे हाई फिगर्स नजर आ रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं पिछले 24 घंटे में हमारे नब्बे हजार से ज्यादा लोग बार शनाख्त हुए हैं आइडेंटिफाइड हुए हैं और अगर दूसरे फिगर्स को देखे दूसरे देशों के फिगर्स की देखे तो आप देखेंगे अमेरिका इकतीस हजार ब्राजील चौदह हजार और सब मुल्क सब देश दस हजार के नीचे है इसका मतलब हम किसी भी देश की तुलना में हम कम से कम तिगुना तेजी से बढ़े जा रहे हैं अमेरिका जो कि सब दुनिया में जानते हैं सबसे ज्यादा लोग इस पर बीमार उस उसमें इस वक्त जो फिगर्स है चौसठ लाख लोग से ज्यादा लोग बीमार है हमारे यहाँ बयालीस लाख है पर जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं ये साफ है कि हम करीब मैंने जो पहले एक हफ्ता पहले कहा था कि पच्चीस तीन तीस दिन पैंतीस तीस पैंतीस दिन में हम इनको ओवरटेक कर लेंगे क्योंकि इनकी फिगर्स इनकी चार्ट्स अगर देखे न्यूज क्लिक की हमारी चार्ट होती है चार्ट अगर देखे तो उनकी चार्ट गिरती जा रही है और हमारी चार्ट बढ़ती जा रही है जिस तेजी से पहले बढ़ रही थी उसी ते, उसी तेजी से हम अभी भी बढ़े जा रहे हैं और दुनिया की जितने मुल्क है जिसपे भारी मात्रा में लोग बीमार पड़े हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और उनकी नए बीमारी की संख्या घट रही है जबकि हमारे यहाँ नई बीमारी की संख्या बढ़ रही है ये इसलिए अहमियत रखती है कि इसका मतलब है कि हमारी क्राइसिस जो अस्पताल सिस्टम की क्राइसिस है दूसरे जो सुविधाओं की क्राइसिस है ये सब और भी बढ़ने वाली है क्यों क्योंकि हम इसके साथ साथ पूरा लॉकडाउन को हटा रहे हैं दिल्ली को देखिए दिल्ली में इस वक्त लगता है फिगर्स थोड़ी सी ठीक हुई थी पर फिर जैसे जैसे लॉकडाउन शिथिल होता गया उसके साथ साथ हजार के लगभग जो फिगर्स थे फिर दो हजार के लगभग पहुंच रहे हैं और मेट्रो भी चालू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये फिगर्स अगर हमने और कोई कदम नहीं लिए तो ये फिगर्स बढ़ता रहेगा तो ये जो बीमारी है हमारे यहाँ की कि सरकार अनलॉकडाउन लॉकडाउन की पॉलिसी तो की है पहले लॉकडाउन किया इसके बाद अनलॉकडाउन कर रहे हैं पर इस पे लग नहीं रहा है इसका बीमारी से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं पड़ रहे हैं इससे कोई इसका संबंध है ये लगता है कि बिना सोचे समझे बिना कोई क्या कहते सुनियोजित कोई परिकल्पना के जरिए ये प्लान्स नहीं बन रहे हैं ये तो सिर्फ ऐसे ही अंधा धुंध पॉलिसीज चल रहे हैं पहले देखिए जो सभी आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा लॉकडाउन इंडिया में घोषित की गई थी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पारित की गई थी घोषित की गई थी और इस लॉकडाउन में लोगों को लगा था शायद हमारे महा मुख्यमंत्री प्र, प्रधानमंत्री को लगा था उनकी जो लोग उनकी ज्ञानदाता है उनको लगा था कि ये जो है बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी हम एकदम जय जय पा लेंगे महाभारत की जय जैसी थी अट्ठारह दिन में हुई थी इक्कीस दिन में हो जाएगा और अगर नहीं होता तो और दो तीन हफ्ता कर लेंगे तो हो जाएगा तो इससे क्या हुआ लॉकडाउन तो थी उसके वजह से हम देख सकते इकोनॉमी पे कितना बड़ा धक्का पहुंचा यही वजह है कि कोई बिना प्लानिंग करे आप लॉकडाउन करते एकाएक अगर लॉकडाउन करते हैं उसकी कोई परिकल्पना अगर नहीं होती तो जायज है कि उस पर इकॉनॉमी पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचता हम देखे हैं कि जब हमारा जो डिमोनिटाइजेशन हुई थी इसी तरह कोई प्लानिंग नहीं थी एकाएक एक दिन घोषणा कर दी गई थी इसकी वजह से कितना बड़ा धक्का पहुंचा था इकोनॉमी को इस बार वो एक धक्का था इसके साथ साथ यह भी हुआ कि बीमारी रुकी नहीं बीमारी लगातार बढ़ता गया और इसीलिए जो बीमारी का जो धक्का है वो भी हमारी इकोनॉमी पहुंचा तो हमारे तरफ से दो तरह का धक्का हुआ एक लॉकडाउन का धक्का जिसके वजह से इकोनॉमी काफी विध्वस्त हुआ जिसकी कोई तैयारी नहीं थी लोगों ने भी कोई तैयारी नहीं थी प्रशासन की दूर दूर की बात और उसके साथ साथ बीमारी रुकी नहीं इसीलिए उसका भी धक्का हमारे इकॉनॉमी पर पड़ रहा है ये साफ है कि अगर इस तरह के धक्के आते रहे और साफ ये भी है कि लोग अगर बीमार पड़ते गए जैसे पड़ रहे हैं तो वो खर्चा नहीं करेंगे वो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे नहीं पिक्चर नहीं देखेंगे तो इन सब चीजों की भी एक जो कहते हैं टेक कंजम्पशन नहीं होगी और और भी चीजों की कंजम्पशन नहीं होगी और ये कंजम्पशन अगर नहीं होगी लोगों को हाथ पे पैसा नहीं आएगा लोगों के हाथ पे पैसा इसीलिए आता है कि खरीदारी कुछ और लोग करते हैं खरीदारी अगर नहीं करते इकोनॉमी रुक जाती है इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जो इंफॉर्मल सेक्टर कहते हैं उसमें से पांच से पांच में से चार लोग इस वक्त बेरोजगार हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना बड़ा धक्का नहीं पहुंचा है उसको कम से कम कुछ लोन्स अराउंड करने की सुविधा दी गई है लोन्स की म्याद बढ़ा दी गई है है ये सब करके उनको कुछ तो सुविधा पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो दिन आ, आ, दिन आके दिन लाके दिन खाते हैं उनके हाथ में इस तरह का कोई चीज तो पहुंचा नहीं ना कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में धंधा चलाते हैं उनके हाथ पे कोई पैसा दिया गया इसका मतलब वो सेक्टर पूरा ठप पड़ा है और इसीलिए उनके पास भी खर्चा करने के लिए कोई रकम हाथ में है नहीं तो बीमारी जब तक उस पर कंट्रोल हम नहीं पाएंगे तब तक इकोनॉमी उस तरह से चल पड़ना संभव नहीं है और सबसे बड़ी बात इस वक्त ही है कि न कि इकोनॉमी चलाने के लिए कोई परिकल्पना नजर आ रही है जैसे लगातार इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जितने बड़े मुल्क हैं उन्होंने भी काफी हद तक जो कहते हैं डेफिसिट तो बढ़ाए बढ़ा के तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश किया यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने जो स्टिबुलस इकोनॉमिक स्टिबुलस कहते हैं छह परसेंट आठ परसेंट स्टिबुलस दिया है कुछ लोगों ने दस बारह परसेंट तक स्टिबुलस दिया है हमारे यहाँ वो स्टिबुलस एक वन टू वन पॉइंट टू परसेंट ही है तो इसके वजह से इकोनोमी के अंदर तो पैसा आया नहीं हमने प्रभात पटनायक के साथ इसकी डिस्कशन की थी पिछले हफ्ते पर उसके साथ साथ बीमारी पे कोई कंट्रोल जो नहीं है वो साफ नजर आ रहा है और अगर ये चलता रहा तो हम इस पर कोई शक नहीं है पंद्रह बीस दिन में पंद्रह बीस दिन एक महीने में सबसे ज्यादा बीमार लोग हिंदुस्तान में अंदर पाए जाएंगे हम अमेरिका को ओवरटेक कर लेंगे वो टोटल नंबर्स पे ओवरटेक कर लेंगे डेली नंबर्स पे तो हम ओवरटेक कर ही रहे हैं ये भी देखिए मुल्कों की बात अगर हम देखते हैं ये भी देखिए अभी एक्टिव केसेस की हाल देखिए एक्टिव केसेस पे हम अभी अमेरिका से नीचे हैं हमारे छत्तीस लाख अमेरिका में है हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में करीब आठ लाख लगभग है अभी इस मामले में हम अभी पीछे हैं पर जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ये फिगर भी करीब दो महीने के अंदर हम अमेरिका से आगे निकलने की संभावना दिखा रही है और यह भी देखें कि हमारी इस बढ़ने की रफ्तार जो पहले कहते इस इस बढ़ने की रफ्तार पे, इस पे भी कोई खास डाउन नजर नहीं आता बल्कि दूसरे जगहों पे कहते हैं सेकेंड वेव हो रहा है जब इटली की बात किया जाता है तो कहते हैं कि इटली वगैरह देशों में एक सेकेंड वेव नजर आ रहा है पहले डिप किया था फिर बढ़ने लगा ये देखिए न्यू केसेस की अगर देखें तो देखेंगे एक वक्त इटली में घट गया था फिर बढ़ रहा है अमेरिका में घट गया था एक एक वक्त पे अमेरिका में घट गया था एक फिर बढ़ने लगा अब फिर बढ़ने की गुंजाइश लोग बता रहे हैं पर हिंदुस्तान के अगर ग्राफ को देखेंगे तो हमें कभी भी इस तरह का घटने की चीज नजर नहीं आता हम लगातार बढ़ते ही गए हैं तो ये दर्शाता है कि हमारे यहां पर हम इस महामारी पे हमने कभी भी काबू नहीं पाए चाहे लॉकडाउन करे अनलॉकडाउन करे रफ्तार बढ़ती ही जा रही है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक संदेश पहुंचा रहा है तो इसमें करना क्या चाहिए मैं इसके बारे में दूसरे विशेषज्ञों से बात कर रहे कर, 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 करते आए हैं न्यूज क्लिक में आपको मालूम होगा हमने कहा है इस बात को कि इसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें चाहिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसके साथ साथ लोगों का आइडेंटिफाई करना कौन बीमार है और इस वक्त जो दूसरे जगहों से जो खबर आ रही है जो विस्लेशन हो रही है उसे साफ है जो तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उसको बैकवर्ड ट्रेस करना चाहिए मतलब आप बीमार अगर हैं तो देखिए किससे बीमार पड़े कौन आपको इंफेक्ट किया उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेस करे ना कि आप कितने लोगों से और मिले क्योंकि इस पे साफ एक बात नजर आता है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं उससे ज्यादा बीमारी फैलती है कि एक एक आदमी बस बस में बस में बीमार था और पचास यात्री थे तो वो पचास लोगों में से पच्चीस तीस बीमार पड़ सकते हैं एक हॉल में अगर मान लीजिए आप जिम में चुप पहुंच गए एक हॉल के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां जितने लोग हैं उनको आप इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर खुद अब बीमार है तो इसीलिए जो सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं वो ज्यादातर उन जगहों पे हो रहा है जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बंद कमरों में इकट्ठा हो रहे हैं इसके जरिए फैलने की संभावना ज्यादा होता है इसीलिए इन सब जगहों के अगर आप बैकवर्ड ट्रेसिंग करें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे ज्यादा चांस किन लोगों में है इसको इस, इस इस इन्फेक्टेड होने की और उनको आप ट्रीटमेंट उनको आप आइसोलेट करना क्वारंटीन करना ये सब आप कर सकते हो तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस वक्त एक अहमियत रखती है हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम था कि पहले जो बीमार बाहर से आ रहे थे तो उनको उनके ऊपर अगर हम सिर्फ ध्यान देते तो इतना कड़ी लॉकडाउन उस वक्त करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ छह लोग उस वक्त हिंदुस्तान में बीमार थे जब बीमारी बढ़ती गई तब उस लॉकडाउन के अंदर भी हम जानते हैं लॉकडाउन ब्रेकडाउन हो गया था क्योंकि हमने लोगों का इंजाम कुछ किया नहीं था उनको घर इसीलिए जाना था गांव इसीलिए कामयाब नहीं हुआ उसके प्रबंध नहीं किया था आपने उसके कोई परिकल्पना आपने किया नहीं था पर जाने दीजिए पुरानी बात हो गई अब इस बात को न छेड़े फिर सवाल यह है कि अब करने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए कि अब हम करें क्या उसके देखिए हेल्थ मिनिस्टर है हमारे देश में हेल्थ मिनिस्टर नजर आ रहे हैं कभी टेलीविजन पे बता रहे हैं कि हेल्थ प्रोग्राम क्या होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें आती है इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पर हमें क्या करना है इसके बारे में कोई संदेश हमें मिल नहीं रहा है और इसके लगातार हम ऑन लॉन्ग टर्म की बात करे जा रहे और इकोनॉमी की जब बात आती है कहते हैं कि उधार बढ़ाया जाए पर हम पैसा लोगों को हाथ में नहीं पहुंचाएंगे नहीं लोन्स हम सुविधा देंगे पर पैसा नहीं देंगे लोगों के हाथ में साफ है इससे इकोनॉमी पे जो धक्का पहुंचा है ये बढ़ेगा तो दोनों तरफ से चाहे हेल्थ की नजर से ये तो आपकी इकोनॉमी की नजर से हमारी कोई इसमें परिकल्पना नजर नहीं आ रही है जिससे हम इस महामारी के सामना कर सकते हैं और वही नजर वही नतीजा हमारे सामने है तो मैं इसीलिए इस बात से खत्म करना चाहूंगा कि कोई अच्छा संदेश मैं आपको दे नहीं सकता हूं कि इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक ही काम बचा है कि हम इंतजार करें कि कब हमारे पास वैक्सीन पहुंचेंगे देखिए हमारी इस वक्त देश की जो मैप्स है मैप को देख अगर देखेंगे तो देखेंगे जरूर यह है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इंफेक्टेड लोगों लोग वहां मिलेंगे इसीलिए सबसे ज्यादा इंफेक्टेड लोग वहां मिलेंगे क्योंकि तो वहां पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा काफी डिस्ट्रिक्ट्स उस पर इस पर काफी बड़े संख्या में लोग बीमार हैं या इन्फेक्टेड हुए हैं और पर अगर हम नजर दें देश के अन, अन्य प्रांतों पे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रांत है बीमारी काफी फैला है चिंता की बात यह है कि पहले सिर्फ बड़े शहरों में बीमारी फैली थी इस वक्त अगर हम देखें ये देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाली चार्ट जो है इस पर हम देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में जो बेल्ट है वो मुंबई मुंबई है इसके बाद थाने है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है थाने है देखिए इसके बाद देखिए पुणे है तो ये जो फैलाव है ये चार डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो सकता है मुंबई और पुणे से हुआ हो पर ये इन डिस्ट्रिक्ट में फैला है और उसके साथ साथ लघुआ डिस्ट्रिक्ट जितने हैं देखिए नासिक यहां देखिए अहमेदनगर तो ये जो लघुआ डिस्ट्रिक्ट है इधर देखिए उस्मानाबाद इन जगहों पे भी ये फैल रहा है इसका मतलब जो है कि हो सकता है ये शुरू हुआ था कॉन्सेंट्रेशन था मुंबई पे और पुणे में पर ये अभी पांच छह सात डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है और पूरे भारतवर्ष की मानचित्र को आप देखेंगे देखेंगे इसका फैलाव काफी काफी विस्तृत हो चुका है बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है और बहुत कम ही डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें इसका फैलाव कम है तेलंगाना वाइट दिख रहा है इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स दे नहीं रहे हैं इसीलिए हम हम इसका मानचित्र में हम आपको दे नहीं पाएंगे पर अगर आप पूरे मानचित्र को देखें, तो शायद ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर कुछ संख्यक लोग बीमार न हो ये जो फैलाव है इसके वजह से इस पर इस वक्त कंट्रोल करने का मतलब नहीं कि सिर्फ शहरों को कंट्रोल करें अब ये छोटे शहर कस्बों में पहुंच चुका है और गांव की तरफ भी बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि बहुत सारे ऐसे प्रांत है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है ऐसे शहर है जहां पर जो अस्पताल की सुविधा जो ज्यादा बीमार हो जाएंगे उनके लिए जरूरी है वो उस वक्त मिलना बहुत मुश्किल है बिहार है वहां पर जब लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं वो तो कलकत्ता है, तो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर वेंटिलेटर्स, अस्पताल बहुत कम ही अस्पताल में मिलेंगे पटना में कुछ मिल जाएंगे पर दूसरे जगहों पर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये जो स्थिति है जिसकी तैयारी हमें अभी तक करनी चाहिए था ये हमने किया लगता नहीं है कि ये हमारी तैयारी रही है तो इस वजह से हो सकता डेथ रेट जो हम कह रहे थे काफी कम है हिंदुस्तान में मैंने पहले जिक्र किया था इसीलिए कम है क्योंकि हमारी यंग डेमोग्राफी है तो हो सकता डेथ रेट भी बढ़ना शुरू हो तो मैं जो पहले से ही कह रहा हूं बहुत खुशखबरी देने की स्थिति में हम है नहीं आंकड़े बुरे नजर आ रहे हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम और भी संकट में फंसने वाले हैं जब तक महामारी पे हम कंट्रोल नहीं पाएंगे हम देश की जो सी है इकोनॉमी हो सोशल नॉर्मल सी ला नहीं पाएंगे और अगर वैक्सीन के इंतजार करना पड़े हमें जो लगता है कि अभी इसके अलावा नहीं है तो वैक्सीन मिलने में हमें अभी से, अभी से महीना के पहले आम तौर पे वैक्सीन नहीं मिल पाएगा हम वैक्सीन की चर्चा भी आपके साथ अगले चरण में करेंगे बाद में करेंगे इसके बारे में पर वैक्सीन कुछ अगले छह महीना तक व्यापक रूप में प्राप्त होने का कोई संभावना नहीं है तो इसीलिए महामारी पे कंट्रोल पाना अगले छह महीना निर्भर करता है सरकार जो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स और आम जनता की सहमति से सहायता से हम क्या क्या कदम उठा सकते अब तक इसकी कोई प्लानिंग या कोई आ, कदम दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ रही है लगता है इसी रफ्तार से बढ़ेगी जब तक ये कुछ हद तक बर्न आउट ना हो जाए उन इलाकों में जहां ऑलरेडी काफी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो दिल्ली शहर में कुछ जगहों पे 30 परसेंट तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं इसीलिए एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है मुंबई में भी कुछ जगहों पे जैसे धरावी में साठ तक उनकी इन्फेक्ट इन्फेक्टेड वो हो चुके हैं इसीलिए उनकी एक नॉर्मल की एक रेजिस्टेंस है तो वो उस तरह बहुत ज्यादा जगह पर ये है नहीं इसीलिए इस वक्त लगता है इस बीमारी पे रोक पाना कम से कम तीन से छः महीने के पहले कोई संभावना दिख नहीं रहा है आज हम इसी बात पे आज की चर्चा खत्म करते हैं देखते रहिएगा न्यूज क्लिक हमारे साइट में आर्टिकल्स के लिए चार्ट्स के लिए और चर्चा के लिए आते रहिएगा और हमें यूट्यूब भी चैनल को भी देखते रहिएगा धन्यवाद आज के लिए इतना ही